महात्मा, हिंदी में रविंद्र जैसा कवि नहीं है, आपने ये कहा। हाँ, लेकिन आप इंदौर के सम्मेलन में आपने कहा कि हिंदी मृत हो रही है। हाँ, लेकिन क्या आप अपनी बात पे कायम हैं? देखिए, ऐसा है, आप बैठ जाइए। आपने हिंदी के कितने कवियों को पढ़ा है? कम पढ़ा जाता है। इसका हिंदी के साहित्यकारों पर क्या प्रभाव पड़ता होगा, आपने कभी सोचा? मैं हिंदी के बारे में ज्यादा नहीं जानता। तो फिर आपको ये अधिकार किसने दिया कि आप कहें कि हिंदी में रविंद्रनाथ ठाकुर जैसा कोई कवि है ही नहीं? मेरा कहने का मतलब कुछ और था। आप रविंद्र जैसा कोई कवि हिंदी में चाहते ही नहीं। आप प्रिंस द्वारकानाथ ठाकुर का नाती या नोबल पुरस्कार प्राप्त कोई मनुष्य चाहते हैं? क्या आपने जयशंकर प्रसाद को पढ़ा है? क्या आपने पंत को पढ़ा है? क्या आपने निराला को पढ़ा है? यदि नहीं, तो मैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आपसे यह कहना चाहता हूं कि आपको यह अधिकार किसने दिया कि बिना जाने आप हिंदी की तरफ उंगली उठाएं? महात्मा, जैसे बांग्ला मेरी मातृभाषा है, वैसे ही हिंदी भी मेरी मातृभाषा है। मैंने रविंद्र के पूरे साहित्य को पढ़ा है, उसे समझा है। आप मुझे आधा घंटा दे दीजिए, मैं आपको रविंद्र की कुछ रचनाएं सुनाऊंगा, उनकी कला पर विवेचना करूंगा और साथ ही कुछ हिंदी की चीजें भी बताऊंगा। मेरे पास समय कम है। महात्मा, आम जन में मेरी रचनाओं की कद्र नहीं है, इसकी वजह है। अगर आप थोड़ा सा समय दें तो मुमकिन है अच्छा। देखिए, आप अपनी किताबें मुझे भेज दीजिए। भिजवा देता हूं महात्मा। पहले आपके यहां हिंदी की जानकारी रखने वाले जितने लोग हैं उनका नाम मुझे बता दीजिए, ताकि मुझे पता तो चले कि मेरी किताबों पर वो अपनी राय दे भी सकते हैं या, क्योंकि आपको हिंदी अच्छे से नहीं आती, ये तो आप पहले ही कह चुके हैं महात्मा। अनघड़, अखड़, बेपरवाह, बेतरतीब, जीवन के झंझावातों से झांकता हुआ आत्मा की अस्मिता का निष्पाप उजाला, ऐसे थे महाप्राण निराला। गांधी जी से कोई निजी मतभेद नहीं थे, लेकिन किसी भाषण के दौरान गांधी जी द्वारा हिंदी भाषा पर की गई दो चार टिप्पणियों से वो बेचैन हो गए। बर्दाश्त की हद टूटी तो जा पहुंचे गांधी के पास और जवाब मांगने लगे। ये वो वक्त था जब गांधी जी से सवाल पूछना इस देश में ईश्वर से सवाल पूछने जैसा था। लेकिन यदि आपको अपनी भाषा पर निराला जैसा गर्व हो, यदि आपको अपने संस्कार और अपनी वृहद संस्कृति का निराला जैसा ज्ञान हो, यदि आपको अपने स्वधर्म में निराला जैसी आस्था हो, तो आप ईश्वर से भी प्रश्न कर सकते हैं। और जो सच निराला की कविता में उतरता है, वो यथार्थ की पूरी कठोरता से खुद को रूबरू कराता हुआ और उसे समेटे हुए होता है। बाल झबरे दृष्टि पैनी भटी लुंगी नग्न तन, किंतु अंतर दीप्त था आकाश सा उन्मुक्त मन, किंतु अंतर दीप्त था आकाश सा उन्मुक्त मन। 21 फरवरी 1896 को बंगाल के महिषादल में निराला का जन्म हुआ। बसंत के कवि निराला का जन्म उस दिन हुआ जिस दिन स्वयं सरस्वती की पूजन का दिन है, बसंत पंचमी का उत्सव था। और मेरे लिए निजी रूप से सौभाग्य का विषय है कि मेरा जन्म भी बसंत पंचमी के दिन ही हुआ। माँ ने निराला का नाम सूर्य कुमार रखा। माँ सूर्य उपासना करती थी, इसलिए बेटे में भी सूर्य ढूंढने की कोशिश की और बाद में स्वयं निराला ने इस नाम को बदलकर सूर्यकांत कर लिया। निराला जी की औपचारिक शिक्षा कम हुई, जो पढ़ा जिंदगी से पढ़ा और शायद यही पढ़ाई निराला को महाप्राण निराला बना गई। महाप्राण ने अपनी किताब परिवन में लिखा भी है, मनुष्यों की मुक्ति कर्म के बंधन से छुटकारा पाना है और कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाना है। जिस तरह मुक्त मनुष्य कभी किसी तरह दूसरों के प्रतिकूल आचरण नहीं करता, इसी तरह कविता का भी हाल है।
और ये स्वतंत्र चेतना ने हिंदी की कविता को छंदों का एक नया शास्त्र दिया, एक नई दिशा दी, एक नया प्रवाह दिया और उस प्रवाह के जनक बने महाप्राण निराला। कुछ दे दो, बहुत भूख लगी है। ये लो माई, अब कितने दिन भीख नहीं मांगोगी? अब बेटा मैं 3 दिन नहीं मांगूंगी। 3 दिन? 3 दिन। अगर मैं आपको 100 रुपए दूं तो? क्या कहा, 100 रुपए दोगे बेटा? ये 1000 रुपए रखो, मुझे आज ही मिले हैं। बेटा कहती हो ना तो रखो माई, रखो। 1000 रुपए? 1000 रुपए? बेटा अब तो मैं जिंदगी भर भीख नहीं मांगूंगी। बेटा तुम खुश रहो बेटा, कितने अच्छे। जब निराला ने सुना कि उसने बेटा शब्द का प्रयोग किया है तो जितनी भी रॉयल्टी निराला ने लीडर प्रेस से प्राप्त की थी पूरी की पूरी उन्होंने उस भिखारन को दे दिया, यह कहते हुए कि तुमने बेटा कहा है तो तुम मेरी माँ हुई, आज के बाद कभी भीख ना मांगना। वो आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लकुटिया टेक। मुट्ठी भर दाने को, भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली का फैलाता। दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। यूं तो महाप्राण निराला साहित्य के महाप्रज्ञ हैं। कविताएं, काव्य, कहानियां, उपन्यास, नाटक, निबंध, अनुवाद, सब कुछ उन्होंने उत्कृष्ट लिखा। लेकिन साहित्य के समीक्षकों का और स्वयं मेरा भी मानना है कि निराला जी ने अगर सिर्फ 3 रचनाएं भी लिखी होती तो भी वे हिंदी साहित्य के महाप्राण ही होते। और वे रचनाएं हैं सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा और माँ सरस्वती की वंदना वरदे वीणा वादिनी। माँ वाणी की ऐसी वंदना निराला के कंठ से निकली जिसके बिना आज दशकों बाद भी इस देश का कोई साहित्यिक सांस्कृतिक अनुष्ठान पूरा नहीं होता। और माँ से कामना भी क्या की, इस पूरे विश्व में अपने अमृत मंत्र को फैला देना। वादिनी वरदे, वरदे वीणा वादिनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, भारत में भर दे वरदे वीणा वादिनी वरदे, वरदे वीणा वादिनी वरदे। कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, जगमग जग कर दे वरदेवी। श्री राम चंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम। निराला जी का विवाह 1911 में 15 साल की आयु में हो गया था। उनकी पत्नी मनोहरा देवी अध्ययनशील महिला थी और भजन बहुत अच्छे गाती थी। नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम। श्री राम श्री राम। तुलसीदास जी की भक्ति सिंचित चौपाइयों को उनके मुख से सुनकर ही संभवतः निराला के अंदर हिंदी भाषा और हिंदी कविता के प्रति गहरी रुचि विकसित हुई होगी। यूं निराला जी ने कम उम्र में ही लिखना शुरू किया था, लेकिन प्रारंभ में वो बांग्ला में लिखते थे, मगर पत्नी मनोहरा के कहने पर उन्होंने हिंदी में लिखना शुरू किया। निराला ने खुद भी माना कि मनोहरा देवी के भजनों की छाप उनके मन पर हमेशा रही। अलबेले अपरिमित प्रतिभावान और वैविध्य से भरे निराला के लिए न तो सामान्य जीवन आसान रहा और नहीं कवि का जीवन। बचपन में ही माता का देहांत हो गया और किशोरावस्था में
निराला के जीवन को अनुशासन देने वाले पिता भी चल बसे। प्राणों से भी प्रिय पत्नी मनोहरा भी एक पुत्र और एक पुत्री सरोज को जन्म देने के बाद ईश्वर के पास चली गई। यह सन 1918 का समय था जब पहला विश्व युद्ध समाप्त हो गया था और देश पर शासन कर रहे अंग्रेज यद्यपि युद्ध जीत गए थे मगर देश की प्रजा बाढ़, अकाल और महामारियों की चपेट में थी। ऐसी ही महामारी निराला के गांव और उनकी ससुराल के आसपास भी फैली। जिस वक्त एक के बाद एक गांव हैजे की चपेट में आ रहे थे, निराला अपने पिता के साथ बंगाल के महिषादल में थे और पत्नी मनोहरा देवी अपने मायके गांव शिरंदासपुर आई हुई थी। उन्हें तार मिला कि पत्नी बीमार है, फौरन चले आओ। राम राम करते निराला जब तक ससुराल पहुंचे तब तक पत्नी की चिता जल चुकी थी। महाप्राण निराला के दुख की सीमा न रही। इस महामारी में निराला के भाई भाभी काका रामलाल और भतीजी की मृत्यु हो गई। पिता की पीढ़ी के सभी लोग समाप्त हो गए और निराला की पीढ़ी में अकेले निराला बचे। ये निराला की जिंदगी का सबसे भीषण दौर था। यहां अवधूत के टीले पर रोज काहे आ जाते हो? मैं आपको ही खोज रहा था। मुझे पता है आप मनोहरा को बहुत चाहते थे। कभी कभी ईश्वर चाह की जगह को ही मार देता है होश में लाने के लिए। यह निराला के लिए मानो ब्रह्म ज्ञान था। जैसे अभी तक वे बेसुध थे, न खुद को समझते थे और न अपनी पत्नी मनोहरा को, न संसार का भान था, न ही अपने ऊपर आ पड़ी जिम्मेदारियों का। ऐसा लगा जैसे इस भयानक दुख के जरिए काल ने उन्हें अपना और संसार के होने का ज्ञान करा दिया। जब मनोहरा का देहांत हुआ तो निराला मात्र 23 वर्ष के थे। महिषादल से निकलकर अवध का रास्ता लिया, लखनऊ पहुंचे और उसके बाद उस समय के साहित्य के सबसे बड़े संगम इलाहाबाद पहुंचे। इसके बाद जीवन भर निराला इलाहाबाद के होकर रह गए। लेखन लगातार जारी रहा, फिर भी जीवन में साधन की हर कमी को निराला साधना से पूरा करते रहे और साधना को उन्होंने कविता के साध्य और ईश्वरत्व तक पहुंचाया। आइए आइए भैया, क्या बात है, सवेरे सवेरे निकल पड़े? बहुत जरूरी काम है महादेवी। अच्छा, पहले अंदर तो बैठिए। नहीं नहीं महादेवी, घर मेहमान आए हैं और मेरे के पे थोड़ी लकड़ियां और घी राशन रखवा दो, घर में सामान ही नहीं। अच्छा, रखवाती हूं। भक्तिन, भक्तिन, भक्तिन जी, आपके एक के में लकड़ियां, घी और राशन रखवा दो, जल्दी। ठीक है, जल्दी जल्दी। निराला ने जब हिंदी की चेतना को, हिंदी की कविता को पारंपरिक छंद विधान से बाहर निकाला तो समालोचकों के कान खड़े हो गए। कभी भी समय की धार के विपरीत अगर कुछ भी करिए तो किनारे पर बैठे हुए समालोचक अक्सर आपकी आलोचना करते हैं। शायद निराला का यह प्रयोग भी समकालीन कवियों और कुछ समालोचकों को समझ नहीं आया, रास नहीं आया। कई साहित्यकारों ने तो उस वक्त यह भी लिखा है कि निराला और कमनीय कल्पना के कवि सुमित्रानंदन पंत के बीच अक्सर द्वंद्व रहता था। कहते हैं कि एक बार तो दोनों में कुश्ती तक की नौबत आ गई थी। लेकिन अंदर से तरल बड़े मनुष्य महाप्राण निराला का असली रूप देखिए कि जब एक चलताऊ पत्रिका ने पंत जी की मृत्यु की गलत खबर छाप दी तो निराला जी की हालत विक्षिप्तों जैसी हो गई। भैया, भैया धीरज रखो, मुझे पता है ये खबर सही नहीं है। मुझे लगता है सब गलत है। भैया देखो, अभी तो बहुत रात हो चुकी है, कल तक ही खबर आएगी। भैया वो ठीक होंगे, संभालो खुद को। मैं चलता हूं। मैं अकेला देखता हूं आ रही मेरे दिवस की सांध्य बेला,
पके आधे बाल मेरे, हुए निष्प्रभ गाल मेरे, चाल मेरी मंद होती आ रही, हट रहा मेला। जानता हूं नदी झरने जो मुझे थे पार करने, कर चुका हूं हंस रहा ये देख कोई ना भेला, मैं अकेला। क्या हुआ भक्तन? निराला भैया को हम अंदर बैठा दिए हैं। क्या इतनी सवेरे आए हैं वो? अरे आए कहाँ से हैं, वो गए कब थे? पार्क में रात भर बैठे रहे, वो भी उस में, और हम भी सो रहे थे। जब सवेरा हुआ तब देखा। हे भगवान, ये क्या भैया, आप सारी रात यहाँ ओस में बैठे रहे, घर क्यों नहीं गए? महादेवी लिखती हैं कि निराला इस खबर से इतने आहत थे कि उनके मुंह से यही निकला, अब हम भी गिरते हैं। बंद के साथ तो रास्ता कम अकड़ता था, सोचकर भी थकावट होती है। निराला की कविता के विषय भी बड़े निराले रहे। जिस भिक्षुक का जीवन खुद अपने लिए कोई विषय नहीं है, वो निराला की कविता का विषय है। शिवाजी का पत्र हो या जूही की कली हो, सभी निराला के कहन और कहानी का हिस्सा है। इलाहाबाद के पथ पर श्रम बाला को पत्थर पर चोट करते हुए देखकर निराला के अंदर से जो टूटता है वह पत्थर से भी भारी है, और इसीलिए उस कविता में पानी जैसी धार है। वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। वो तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। वो तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। वो तोड़ती पत्थर कोई न छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। श्याम तन भर बंधा यौवन नत नयन प्रिय कर्म रत मन। गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार। सामने तरु मालिका अट्टालिका प्राकार। वह तोड़ती पत्थर देखते देखा मुझे जो एक बार उस भवन की ओर देखा छिन्न तार। देखते मुझे देखा जो एक बार उस भवन की ओर देखा छिन्न तार। वो तोड़ती पत्थर वो तोड़ती। क्या कविता है, वाह बहुत अच्छी। एक क्षण के बाद वह कांपी सुधर, ढुलक माथे से गिरे सीकर। लीन होते कर्म में फिर जो कहा, मैं तोड़ती पत्थर। वह तोड़ती पत्थर वो इलाहाबाद के पथ पर जहाँ की गंगा तो दर्शनात मुक्ति हो, जहाँ की स्वराज आनंद भवन या स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन का केंद्र बिंदु रहा हो, वहाँ नारी की यह स्थिति, तो ये पत्थर निराला ही तोड़वा सके। ये साम्राज्यवाद का पत्थर टूट रहा था, ये पूंजीवाद का पत्थर टूट रहा था, और ये एक बार के प्रहार से नहीं करती बार बार प्रहार। सामने तरु मालिका अट्टालिका प्राकार।
निराला अपने लेखन से, अपने कृतित्व और सजना से जिंदगी जीने के योग्य कमा तो रहे थे, लेकिन उस उहापोह में फंसे हुए जीवन में कभी भी दो वक्त की रोटी ठीक से न जुट पाई। और यही कारण था कि निराला के अपने तन पर कपड़ा हो या ना हो, लेकिन वो किसी को ठंड में ठिठुरता हुआ नहीं देख सकते थे। निराला के अपने खाने का इंतजाम हो या ना हो, लेकिन मार्ग के किनारे किसी को भूखा निराला नहीं देख पाते थे। माँ देवी, इस महीने की पारितोषिक की धन राशि को मैं हिसाब से खर्च करना चाहता हूँ। मेरे लिए खर्च हिसाब बना दो। भैया, ये काम जरा टेढ़ा है। अरे क्यों? याद है पिछली बार पूरे महीने के खर्च के लिए मुझे 300 रुपए दिए थे? हाँ दिए थे। और जो पूरे महीने चलने थे? हाँ भाई चलने थे। और दूसरे दिन ही किसी गरीब विद्यार्थी की फीस जमा करवानी पड़ी। बहुत जरूरी थी महादेवी। हाँ, और फिर दोपहर को अपने किसी दोस्त के लिए 60 रुपए देने भी जरूरी थे। बहुत मुश्किल में था वो। और लखनऊ में किसी टांगे वाले की माँ के लिए 40 रुपए का मनी ऑर्डर भी कराना जरूरी था। उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब थी। ठीक है, माँ की तबीयत खराब थी, पर दूसरे दिन अपने किसी दिवंगत मित्र की भतीजी के लिए शादी में 100 रुपए भी देने जरूरी थे। देवी, बिटिया है वो मेरी। बिटिया तो है, पर ये 300 रुपए तो 2 दिन में ही खत्म हो गए ना। ठीक कहती हो महादेवी। और कई बार महादेवी जी ने कोशिश की कि निराला जी को कुछ अच्छे वस्त्र दिए जाएं। एक बार उन्होंने एक कोट बनवाया निराला जी के लिए, बहुत अच्छा कोट था, ये निराला जी को जाड़े में बड़ा काम आएगा। और कुछ रजाइयाँ दी। जब महादेवी जी ने कुछ दिन बाद देखा तो पता चला कि निराला जी, वो क्या हुआ जो हमने दिया था? कहें वो ग्वाला एक आता था, वो जाले में कांप रहा था, इसलिए मैंने वो जो तुमने कोट दिया था मैंने वो उसको दे दिया। छायावाद के प्रसिद्ध कवि जयशंकर प्रसाद जी ने महाप्राण के बारे में कहा था कि वो हिंदी को ईश्वर की देन है। निराला ने नए प्रयोगों के माध्यम से हिंदी को विश्व भाषा के मार्ग पर जाने के लिए प्रशस्त किया, उसका रास्ता तैयार किया। कुछ आलोचक तो निराला से इतना चिढ़ते थे कि उनकी हर कविता उन्हें खटकती थी। निराला ने जब अपनी कविता जूही की कली छपने के लिए भेजी तो वो सरस्वती पत्रिका के दरवाजे से वापस लौटा दी गई। ऐसी कितनी सारी कविताएं, कितनी रचनाएं निराला जी की लौटी हैं। सरोज स्मृति में वो इस प्रसंग को याद भी करते हैं। लौटी रचना लेकर उदास, ताकता रहा मैं भीमकाश। एक क्षण के बाद में वो कांपी सुघर, दुलक माथे से गिरे सीकर, लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा, मैं तोड़ती पत्थर, मैं तोड़ती पत्थर। निराला जी तो निराले हैं, ऐसा लगा मानो सामने ही घट रहा हो। और ये देखो, विचार के इसी अंक में भगवती बाबू ने निराला जी की कविता तो छापी है और साथ में ये नोट भी लिखा है। इधर हाल ही के दिनों में उनकी विचित्रता की प्रतिभा सीमा तोड़ने पर अमादा हो गई। अगर उलझुल बातें लिखना और उनकी घोषणा करना, अगर लोगों की सुरुचि पर प्रहार करना, अगर जनमत अथवा लोकमत की भद्दे तौर पर हंसी उड़ाना ही उत्कृष्ट कला है, तो हम स्वीकार करते हैं कि निराला जी का इस युग का सर्वश्रेष्ठ कवि और कलाकार होने का जो दावा वो अक्सर किया करते हैं, मौके बेमौके उचित अनुचित ढंग से, वो 16 आने ठीक है। बताओ, कविता भी उन्हीं की छापेंगे और बुराई भी उन्हीं की करेंगे। पंजाबी के कालजयी कवि और मेरी आत्मा के बहुत निकट शिव बटालवी ने एक गीत में लिखा, मेरे गीत भी लोग सुनेंदे ने, नाले काफिर आंख सदीदे ने। लोग मेरे गीत भी सुनते हैं और फिर मुझे काफिर भी कहते हैं। खैर, ऐसा हर युग में होता आया है, लेकिन एक बात तो तय है कि निराला ने हिंदी भाषा के लिए जितना संघर्ष किया, उसकी अस्मिता के लिए जितनी लड़ाई की और जितने मानक व्यक्तित्वों से संघर्षरत रहे, उतना हिंदी के लिए कम ही लोगों ने किया।
फैजाबाद के एक साहित्य कार्यक्रम में उन्होंने हिंदी के विद्वान आलोचना के पर्याय पुरुष आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जमीन पर बैठे हुए देखा तो वे आयोजक पुरुषोत्तम दास टंडन से झगड़ पड़े। ऐसे साहित्य का सम्मान कैसे बढ़ेगा अगर रामचंद्र शुक्ल जैसे लोग वहां पर बैठेंगे? देखिए ये गलती हुई होगी। गलती? कैसी गलती? साहित्य समारोह के मंच पर किसी को बैठाने से पहले ये तो पूछ लिया होता कि कविता तो दूर कहकर अभी आता है कि नहीं, या फिर राजनीति झाड़ने से ही सब कुछ मिलता है। मैं रामचंद्र शुक्ल जी को मंच पर बैठने की व्यवस्था करता हूँ, ये वाकई भूल है। अगर साहित्य समारोह के मंच पर रामचंद्र शुक्ल जैसे को बैठाने के लिए झगड़ा करना पड़े तो फिर सम्मेलन का फायदा ही क्या? आमतौर पर निराला के जिस सहज ऊर्जस्वित स्वाभिमान को जीते जी उनका अहंकार समझा जाता रहा, वो उनके स्वयं के आत्मसम्मान और भाषा के प्रति उनकी अतिरिक्त संवेदनशीलता की तरफ ही इशारा करते हैं। रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजेय समर। आज का तीक्ष्ण शर विधृत क्षिप प्रकर वेग प्रखर, शतशेल सम्वरणशील नील नव गर्जित स्वर। देखा राम ने सामने श्री दुर्गा भास्वर, वाम पद असुर स्कंध पर रहा दक्षिण हरि पर। ज्योतिर्मय रूप हस्त दश विविध अस्त्र सज्जित, मंद स्मित मुख लग हुई विश्व की श्री लज्जित। हैं दक्षिण में लक्ष्मी सरस्वती वाम भाग, दक्षिण गणेश कार्तिक बाएं रण रंग राग। मस्तक पर शंकर पद पद्मों पर श्रद्धा भर, श्री राघव हुए प्रणत मंद स्वर वंदन कर। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, यह महाशक्ति राम के वदन में हुई। वास्तव में राम की शक्ति पूजा में महाप्राण निराला ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के माध्यम से जिस व्यथा और तपस्या का वर्णन किया है वह कहीं ना कहीं निराला के स्वयं के जीवन की व्यथा और तपस्या है। दिक जीवन जो सहता ही आया है विरोध, अधिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध, यह कथा स्वयं निराला के जीवन की भी है। संभवतः इसी तपस्या की तपन ने निराला को हिंदी का महाप्राण निराला बनाया। विलक्षण प्रकार के एक अद्भुत कवि हैं जिन्होंने व्यापक रूप से पूरे भारतीय समाज को प्रभावित किया है। निराला ने केवल हिंदी कविता को प्रभावित नहीं किया बल्कि जहाँ जहाँ हिंदी की अनुगूंज पहुँच सकती है उन तमाम लोगों को प्रभावित किया। मुसल्ला रखते हैं सहबाओ जाम रखते हैं, फ़कीर सबके लिए इंतज़ाम रखते हैं, ऐसे ही निराला फ़कीर निराला जी ने भी अपने जीवन में हर तरह का अंजाम रखा। जहां उन्होंने जागो फिर एक बार जैसा जागरण गीत लिखा, भिक्षुक जैसी अत्यंत संवेदनशील कविताएं लिखी, वहीं निराला के अंदर के श्रृंगार ने जब काव्य रूप लिया तो जिस इलाहाबाद में पत्थर तोड़ती लड़की को देखकर उन्होंने करुणा बरसाई थी, उसी इलाहाबाद के पवित्र गंगा तट पर घाट पर नहाती हुई एक तस्वीर को इस तरह बांधा कि वे लौकिक कविता अलौकिक संदर्भ देने लगी। बांधो ना नाव इस ठाव बंधो, बांधो ना नाव इस ठाव बंधो, पूछेगा सारा गांव बंधो, पूछेगा सारा गांव बंधो, बांधो ना नाव इस ठाम बंधु, बांधो ना नाव इस ठाम बंधु। यह घाट वही जिस पर हंस कर, यह घाट वही जिस पर हंस कर, वह कभी नहाती थी धस कर, आंखें रह जाती थी फंस कर, आंखें रह जाती थी फंस कर, कपते थे कपते थे कपते थे दोनों पाँव बंधु, कपते थे दोनों पाँव बंधु, बांधो नाना। वैसे अगर उपनाम निराला की बात करें तो सूर्यकांत त्रिपाठी ने यह उपनाम तब अपनाया जब वो साहित्यिक पत्रिका मतवाला के संपादकीय परिवार में आए। शायद मतवाला और निराला का तुकान मिलता था इसलिए उनके साथ निराला ठीक से निभ गया। निराला निराले भी हैं मतवाले भी हैं।
निराला लगभग फक्कड़ अलमस्त कबीर जैसे हैं। कबीर में और निराला में बहुत साम्य है, केवल यही एक छोटा सा अंतर है कि कबीर पहले संत हैं फिर कवि हैं, और दूसरी तरफ निराला पहले कवि हैं और अपनी कविता की अमरता के साथ संतत्व के मार्ग पर प्रस्थान करते हैं। निराला एक ऐसे संत हैं जो अलख जगाने निकले हैं, दुनिया को जगाने निकले हैं और देश को उसके स्वाभिमान की याद दिलाने के लिए निकले हैं। देश को उसके राष्ट्रीय पुनर्जागरण में वे याद दिलाते हैं कि उसके जागरण से ही इस देश में सवेरा आएगा, और हुंकार के स्वर में कहते हैं, जागो फिर एक बार, जागो फिर एक बार, जागो फिर एक बार, जागो फिर एक बार, समर अमर कर प्राण, जागो जागो फिर एक बार, समर अमर कर प्राण, समर अमर कर प्राण, गान गाए महासिंधु से, सिंधु नद तीरवासी, सैंधव तुरंगों पर चतुरंग चमू संग, सवा सवा लाख पर एक को चढ़ाऊंगा, गोविंद सिंह निज नाम जब कहाऊंगा। किसने सुनाया ये वीर जन मोहन अति दुर्जय संग्राम राग, जय संग्राम राग, भाग का खेला रण बारहों महीनों में, बाघ का खेला रण बारह महीने में, आया है आज चार, जागो फिर एक बार, जागो फिर एक बार, जागो फिर एक बार, जागो फिर एक बार, सत श्री अकाल। शेरों की मांद में आया है आज से यार, जागो जागो फिर एक बार। वाह, क्या लिखा है आपने, बहुत बढ़िया। इसकी प्लेट बनने के लिए भेज दो। ठीक है। जागो जागो फिर एक बार, जागो फिर एक बार जैसी कविताएं जो हैं वो केवल मात्र उद्बोधन नहीं है, केवल मात्र बल्कि वो उस क्रांतिकारी लहर के संस्पर्श हैं वो, जो पूरे भारत में व्याप्त होना चाहिए। भौतिक संघर्ष और साहित्यिक उत्कर्ष के बीच महाप्राण निराला के जीवन में सबसे बड़ा शोक का पल तब आया जब उनकी प्राणों से भी अधिक 18 वर्षीय पुत्री सरोज का असमय देहांत हो गया। सरोज निराला जी के जीवन की सबसे बड़ी पूंजी थी, इसलिए उसके जाना सबसे बड़ी पीड़ा में परिवर्तित हुआ। इस घटना ने निराला को तोड़ कर रख दिया। सरोज की मृत्यु के उपरांत निराला ने उस मर्मांतक पीड़ा को एक अद्भुत कविता सरोज स्मृति में सजोया। यह संभवतः हिंदी के इतिहास का पहला शोक गीत था। आज जब भी मुझे कोई मेरी रचना मध्यंतिका के साहित्यिक प्रकर्ष के लिए बधाई देता है तो मैं हर बार आकाश की तरफ देखकर महाप्राण को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि मेरे सामान्य से इस गीत के प्रथमाक्षर तो निराला ही है। निराला ने जो बालपन ठीक से नहीं जिया, जिन संवेदनाओं को वो अपनी शिशुता में नहीं व्यक्त कर पाए, न वो खुलकर हंस पाए, न खुलकर गा पाए, न खुलकर रो पाए, उस सब को उन्होंने सरोज स्मृति में संयोजित कर दिया। धन्य में पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित कर न सका, जाना तो वर्था गमोपाय, पर रहा सदा संकुचित काय, लखकर अनर्थ आर्थिक पथ पर, हारता रहा मैं स्वार्थ समर, शुचिते पहना कर चीनांशुक, रख सका न तुझे अतः ददिमुख, क्षीण का न छीना कभी अन्न, मैं लख सका न बेदृग विपन्न, अपने आंसुओं अतः बिंबित, देखे हैं अपने ही मुखचित, सोचा है नत हो बार बार, यह हिंदी का स्नेहोपहार, यह नहीं हार मेरी भास्वर, यह रत्नहार लोकोत्तरवर, अन्यथा जहाँ है भाव शुद्ध, साहित्य कला कौशल प्रबुद्ध, हैं दिए हुए मेरे प्रमाण, कुछ वहाँ प्राप्ति को समाधान, पार्श्व में अन्य रख कुशल हस्त, गद्य में पद्य में समाभ्यस्त, देखे वे हंसते हुए प्रवर, जो रहे देखते सदा समर, एक साथ जब शतघात घूर्ण, आते थे मुझ पर तुले तूर्ण, देखता रहा मैं खड़ा अपल, वह शरक्षेप वह रण कौशल, व्यक्त हो चुका चीत का रोत्कल, क्रुद्ध युद्ध का रुद्ध कंठ फल, क्रुद्ध युद्ध का रुद्ध कंठ फल। 15 अक्टूबर 1961 को महाप्राण निराला ने बीमारी के बाद
शरीर त्याग दिया। लेकिन निराला की यश रूपी कविता का अंत नहीं हो सकता। इलाहाबाद के दारागंज चौराहे से बख्शी बांध तक जाने वाली 1.5 किलोमीटर लंबी सड़क में हर घर के बाहर उनके चित्र लगे हैं। ये किसी नेता या अभिनेता के चित्र नहीं हैं, बल्कि उस महान आत्मा, उस महाप्राण के हैं जिसने इसी छोटी सी गली में रहकर हिंदी साहित्य के अनंत आकाश में अपने अमिट स्वर्णिम हस्ताक्षर किए। यही वह गली थी जहाँ के दृश्य पर कभी तोड़ती पत्थर जैसी कालजयी कविता लिखी गई। यही वह गली है जहाँ महादेवी वर्मा जैसी बहन महाप्राण निराला जैसे भाई को राखी बांधने आई। यही वह गली है जहाँ कुशवाहा जी की दुकान पर निराला ने दोने भर भर रबड़ी खाई, लंबा उधार चला और किसी कवि सम्मेलन में लौटे तो पैसे दे दिए। इसी गली में निराला ने सुमित्रानंदन पंत जी को 1 लीटर के ग्लास में जबरदस्ती लस्सी पिलाई। अलमस्त फकीर निराला की यादें उनकी कविताई की तरह हिंदी साहित्य संसार में अमिट हैं। निराला अमर राग हैं जो सदियों तक मंगल गान की तरह गाए जाते रहेंगे। निराला हमारे साहित्यिक, सामाजिक और भारतीय अनुष्ठानों के वे प्रारंभिक स्वर हैं जिसके माध्यम से हम वीणा वादिनी माँ सरस्वती से वरदान मांगते रहे। वरदे वीणा वादिनी वरदे, वरदे वीणा वादिनी वरदे, काट अंध उर के बंधन स्तर, काट अंध उर के बंधन स्तर, बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर, काट अंध उर के बंधन स्तर, बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर, कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, जगमग जग कर दे वरदे वीणा।